हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसको आप एकदम नए जैसा कैसे बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंगली आप बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोटो है जो कि बहुत ही पुराना लग रहा है। इसको मैं एकदम नया जैसा कैसे बनाऊं, तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए एकदम नया जैसा आपको दिख रहा है, एकदम नया जैसा दिखेगा। और ये देखिए, ये रहा ओरिजिनल फोटो। तो नए जैसा कैसे बनाना है, कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट है तो उसको आप एकदम नया जैसा बना सकते हैं। कैसे बनाना है इस वीडियो में डिटेल में प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है और बहुत ही आसान है, आप फटाफट कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोज को अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक वर्ड फाइल ओपन कर लेना है। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद आपका जो भी फोटो है वो फोटो आपको पहले इंसर्ट कर लेना है। तो आपको इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद ये पिक्चर्स जो है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन आपको आता है तो दिस पीसी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने फोटो जहाँ भी सेव किए, सेव किया हुआ है, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो डेस्कटॉप वाला फोटो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फोटो प्रॉपरली यहाँ पे आ गई है। अभी फोटो आने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेक्शन में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। कर दिया, इसके बाद ये जो पेज है ना, जो फोटो है उसको प्रॉपरली सेट कर लेना है आपके पेज के हिसाब से। मैं यहाँ पे प्रॉपरली सेट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको सेट कर लिया है। इसको करने के बाद आपको वापस क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट में ही आप यहाँ पे देखेंगे जो पिक्चर स्टाइल है ना, यहाँ पे आपको छोटा सा आइकॉन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि आइकॉन का नाम है पिक्चर फॉर्मेट, दैट मीन्स फॉर्मेट पिक्चर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है पिक्चर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि पिक्चर करेक्शन। इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो शार्पनेस है तो शार्पनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे इसको 50 कर देता हूँ। इसके बाद ब्राइटनेस को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 75 कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट जो है इसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 25, ये बढ़ा दिया मैंने। आप अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल एकदम नया जैसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका जो फोटो है वो प्रॉपरली नया जैसा दिखने लगेगा। फिर भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो हटानी है, जैसे कि मुझे ये राइट मार्क है ये मुझे नहीं चाहिए, आपको अगर 332 ये लिखा हुआ है आपको ये नहीं चाहिए तो आपको हटाना कैसे, या फिर कुछ दाग धब्बे जैसे कुछ दिख रहे हैं तो उसको कैसे हटाना है वो इस वीडियो में वापस आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पेज वापस से सेलेक्ट कर लेना है, या फिर पेज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको वापस आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद शेप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जहां जहां पे जो चीजें दिख रही है ना उसको ऐसे हटा देनी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव फिल में जाना है और इसको व्हाइट कलर कर देना है। शेप आउटलाइन में जाके भी इसको व्हाइट कलर कर देना है। जैसे व्हाइट कलर कर दिया, ये देखिए साइन जो है वो चला गया है यहाँ पे। उसके बाद दैट मीन्स कि आपको ये सारे सेटिंग करने के बाद कहीं भी दाग धब्बे ऐसा कुछ दिखते हैं तो आपको सीधा जाना है और रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है और वापस कॉपी पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के तहत अगर मुझे ये जो 332 है अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और वापस यहाँ पे लाऊंगा, कंट्रोल वी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया, मैं इसको खींच के यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा। देखिए 332 भी चला गया। तो जैसे आपको हटाना है आपको हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस फाइल को आपको सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जाना है फाइल में। फाइल में जाने के बाद आप कुछ किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पीडीएफ में सेव करना है तो सेव एज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ब्राउज कर सकते हैं या फिर दिस पीसी कर सकते हैं या फिर डेस्कटॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डेस्कटॉप पर सेव करना है तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं सेलेक्ट करना है, आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है। पीडीएफ में आपको अगर सेव करना है तो पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC करके मैंने यहाँ पे नाम दे दिया और यहाँ पे सेव क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, ये इमेज जो है पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ओपन करके भी दिख जाएगा। तो ये आप ये देख सकते हैं ओपन हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है,
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो आप इस पेज को जो है इस फाइल को यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ये करना है। कोई भी पुराना पेज है उसको एकदम नए जैसा बना सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।